बस्तर रिबेलियन की कहानी सुनना। कहानी कुछ नहीं है, मैं आपको 2560 बार बता चुका हूँ कि अगर बात आ जाए फॉरेस्ट और पेस्टोलिज्म वाली, तुम लोग तो खैर पढ़ो, तुम लोग के चैप्टर नहीं आ रहा ना, ठीक है। अगर मैं एक मिनट सुनो, कितनी बार मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि अगर बात आ जाए फॉरेस्ट और पेस्टोलिज्म की, एक मेजर डिफरेंस सुनना। एक मेजर डिफरेंस ये, फॉरेस्ट मतलब जंगल, पेस्टोलिज्म मतलब चरवाहे। फॉरेस्ट में रहने वाले लोग फॉरेस्ट प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर पर डिपेंड करेंगे, लेकिन पेस्टोलिज्म करने वाले लोग उनके जानवरों पर डिपेंड करेंगे, क्योंकि चरवाहे इंसान तो चरेंगे नहीं ना, वो अपने जानवरों को चराएंगे। वो क्या करेंगे, अपने जानवरों को चराएंगे। तो फॉरेस्ट वाले में जब पढ़ते हैं तो एक कॉमन, पता है कॉमन बात क्या है, कॉमन बात यह है कि फॉरेस्ट वाले में इंडिया में पढ़ना है आपको बस्तर रिबेलियन, और वर्ल्ड में देखना है जावा रिबेलियन, ठीक है। और इधर आपको पेस्टोलिज्म वाले में इंडिया में पढ़ना है वो 5 जगह जो मैं बता चुका हूँ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, है ना। और वर्ल्ड में आपको पढ़ना है अफ्रीका। तो एक वर्ल्ड का इशू है, एक इंडिया का, एक वर्ल्ड का, एक इंडिया का, इन चार में से एक केस पक्का आना है। अब देखो क्या होता है, अब एक दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, बल्कि चारों में ही कॉमन चीज़ क्या है, ये जो कॉलोनियल रूल था, ये जो बाहर से आने वाले जो लोग थे, इन्होंने क्या करा, इनके ऊपर रोक लगा दी, इनके ऊपर टैक्स लगा दिया। पेस्टोलिज्म में भी यही हुआ, फॉरेस्ट वाले में यही हुआ। फॉरेस्ट वाले में क्या हुआ कि एक चीज़ है ना, कि कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आज भी अपन को छत्तीसगढ़ झारखंड वाले एरिया में देखने को मिलता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग नक्सली हो गए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो लोग कहीं ना कहीं शुरू से अपनी हेरिडिटी में डाल लिए कि ये जो सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, ये हमारे लिए नहीं कर रही है, ये इनके फ़ायदे के लिए कर रही है। तो शुरू से छत्तीसगढ़ झारखंड का एरिया हमेशा क्या रहा, एक वायलेंस वाला एरिया रहा। अगर पूरे देश के अंदरूनी बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ख़राब एरिया कौन सा, छत्तीसगढ़ झारखंड, है ना। इसको डिफेंस वाले अच्छे से समझते हैं। अब देखो मैटर क्या है कि बस्तर का क्या मैटर है, अब यहाँ पर एक बात समझना, ये है अपना प्यारा भारत, ये जल्दी से बता देता हूँ मैं, ठीक है। आपको मालूम है ये अपना प्यारा भारत है, अपना प्यारा भारत बहुत बड़ा था, आने वाले समय पर होगा भी सही। वी आर गोइंग टू बिकम अ डेवलप कंट्री, आने वाले समय पर अपन लोग एक डेवलप कंट्री बनेंगे, ये श्योर है। उसके लिए अभी संघर्ष जारी है। अगर आप लोग पढ़ोगे और आप लोग के पास में समझ रहेगी, तो हो सकता है आने वाले 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद, तुम ऐसी जगह पर बैठे हो जो एक बड़े एरिए पे गवर्न कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप कोई सिविल सर्विसेज क्लियर करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप उस मेंटेलिटी में आ जाओगे कि आप देश को आगे बढ़ाने की पार्टिसिपेशन में रहोगे। इसलिए पढ़ने से ज़्यादा अपनी समझ बढ़ाना ज़रूरी है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओगे, आप चीज़ों को समझोगे कि हाँ इकोनॉमिकली कैसे चेंजेस आते हैं, पॉलिटिकली कैसे चेंजेस आते हैं, सोशली कैसे चेंजेस आते हैं, आपको आपके लिए सही क्या है, रिवॉल्यूशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बस्तर रिबेलियन भी सही हुआ था कि नहीं हुआ था। सही बिल्कुल हुआ भाई, बिल्कुल सही हुआ। आपको अपने हक के लिए तो लड़ना पड़ेगा, अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो आपका शोषण होगा, क्या होगा, शोषण होगा, एक्सप्लोइटेशन होगा। और हिंदुस्तान के लोग एक्सप्लोइटेशन होने के लिए नहीं बने, हो गया पिछले 200-300 सालों में, बहुत 200-300 सालों में बहुत एक्सप्लोइटेशन हुआ अंग्रेजों के समय पर, बहुत ज़्यादा शोषण हुआ। लेकिन अब ये चेंजेस होना चाहिए खून के अंदर, कि आपके अंदर एक एग्रेसिव नेचर होना चाहिए, एक लड़ने के एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। इतिहास भी यही कहता है, जो लड़ा है वही जीता है, समझे आपको। अब देखो खैर, तो ये यहाँ पर एक समझना बात को, यहाँ पर एक रीजन है, आपको मालूम है आज तो मध्य प्रदेश से अलग हो चुका है छत्तीसगढ़, लेकिन पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक थे, तब इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट मध्य प्रदेश हुआ करता था, ठीक है। अब ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा रीजन जो है वो बस्तर वाला रीजन है। अब ये जो पूरा बस्तर वाला रीजन है ना, यहाँ का इशू क्या है कि यहाँ पर है खतरनाक डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट। अब आप लोगों ने इस चैप्टर में देखा है कि 1864 और 1865 में दो चीज़ें हुई। 1864 में भारत का पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बना, जिसका नाम था डेटरिज ब्रैंडिस। याद रखना, ब्रैंडिस याद करने का तरीका कैसे है, ब्रिटिशर्स लोग ये ब्रैंडी टाइप ब्रैंडी पीते हैं एकदम, तो ब्रैंडिस, डेटरिज ब्रैंडिस। और 1865 में पहला इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया, या इंपीरियल फॉरेस्ट एक्ट आया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट या इंपीरियल फॉरेस्ट एक्ट।
इस एक्ट ने क्या करा, फॉरेस्ट को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। सिंपल सी कहानी है, इतनी सिंपल है कि कोई नहीं भूलने वाला, यहीं पर याद हो जाएगा। यहाँ से अपन बस्तर पाएंगे, लेकिन पहले बेस तो समझ ले। इस एक्ट ने क्या करा, फॉरेस्ट को तीन पार्ट में डिवाइड करा। एक थे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एक थे रिजर्व्ड फॉरेस्ट, और एक थे, हाँ, विलेज फॉरेस्ट। एक थे विलेज फॉरेस्ट, मेरे को लगा मिलेज मिलेज, वैलेंटाइन भी चल रहा है ना, तो इसमें लगा मिलेंगे, तो विलेज फॉरेस्ट। ठीक है, खैर, हाँ, बजरंग दल, सब बजरंग दल वाले, सब रजिस्ट्रेशन करा लेना। ठीक है, मैं भी तुम लोग का लीडर बन जाऊँगा। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट, इन्होंने क्या करा, अंग्रेजों ने, एक चीज़ समझना, एक चीज़ समझना, अब चीज़ों कनेक्ट करना आना चाहिए आपको। मालूम 1865 का समय चल रहा है इंडिया में, रेलवे कब आया है, 1853 में, डलहौजी के समय पर। 1853 में भारत में पहली रेल चली, बॉम्बे टू थाने। अब पहली रेल चली ना, अब थाने टू बॉम्बे। तो क्या हुआ था कि एक रेलवे का इन्वेंशन, इंडिया में रेलवे डिस्कवर हुई, मतलब रेलवे का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। रेलवे का एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो रेलवे के लिए चाहिए उनको लकड़ियाँ, तो इनको अब लकड़ियाँ भी चाहिए, इनको फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों से टैक्स भी चाहिए। तो इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने बोला एक काम करते हैं, अगर अपने को लकड़ियाँ चाहिए तो अपन को फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा, लेकिन जो फॉरेस्ट काट रहे हैं उनको काटने से रोकना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या करा, जो काट रहे थे उनको फॉरेस्ट काटने से रोका, और खुद ने क्या करा, फॉरेस्ट। तो रेलवे उस समय पर इतना बड़ा एक फैक्टर रहा, अब आज भी रेलवे बहुत बड़ा फैक्टर है। और डेवलपमेंट भारत की यूनिफिकेशन में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पढ़ाई जाएगी तो रेलवे पढ़ाया जाएगा। अंग्रेजों ने जो सबसे अच्छी चीज़ दी वो रेलवे दी थी, ये बात तो माननी पड़ेगी। और रेलवे की वजह से आज यूनिफाइड हुए अपन, नहीं तो अपन यूनिफाइड थोड़ी होते। मध्य प्रदेश अलग होता, राजस्थान अलग, सब एक लिंक जुड़ गया, लोग वहाँ से वहाँ रहने लगे, कल्चर एक्सचेंज हो गया, लैंग्वेज एक्सचेंज हो गई, रिलीजन एक्सचेंज हो गया, इधर से उधर जाके लोग मिलजुल के रहने लगे। ये मराठी भाषा के लोग गुजराती में रहने लगे, गुजराती की भाषा के लोग जम्मू कश्मीर में, तो मिक्स हो गए थे। किसकी वजह से, रेलवे की वजह से। तो रेलवे एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, इसलिए कभी भी इसको बिना छोड़े आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, इतिहास को आप आगे नहीं ले जा सकते। तो क्या हुआ कि ये रेलवे जब डेवलप हुआ, इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में, तो लकड़ी की मांग, स्लीपर पैड्स, स्लीपर पैड ना रेलवे में, लकड़ियों के कट्ठे पट्टे जो होते हैं ट्रैक में, क्योंकि वो प्रेशर को बियर कर सके। ठीक है ना, प्रेशर को आप जानते हो, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाए, प्रेशर कम हो जाएगा, सीधी सी बात, इन्वर्स रिलेशन है इसलिए। तो क्या हुआ कि रेलवे का एक बड़ा डोमिनेशन बढ़ा, तो उसके लिए लकड़ी चाहिए थी। तो इन्होंने क्या करा, फॉरेस्ट एक्ट ला के क्या करा, इसी कारण की वजह से नहीं, दूसरा कारण ये था कि वो फॉरेस्ट के लोगों से टैक्स भी लेना चाहते थे। अब इस बार गए तो मिल गए, अगली बार गए तो बेचारे शिफ्टिंग कल्टिवेशन कर रहे, मिले ही नहीं। अब मिले ही नहीं तो वो टैक्स कहाँ से आएगा अंग्रेजों के पास। अब अंग्रेजों के पास रेगुलर टैक्स नहीं आएगा, अब आपके पास अगर रेगुलर इनकम नहीं है तो आपकी इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती ना, तो एक रेगुलर इनकम होना भी ज़रूरी है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर सिस्टम समझ में आ गया आपको। अब क्या हुआ कि इन्होंने जब ये एरिया, ये लॉ लगा दिया, एक्ट लगा दिया, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई बस्तर के लोगों को। वैसे तो असम में भी हुई थी, बहुत सारे एरिया में हुई थी, लेकिन बस्तर के लोगों को प्रॉब्लम हुई। तीन चीज़ याद रखनी है, क्या चीज़ याद रखनी, तीन चीज़ बस्तर की। पहली चीज़, इसकी जो लोकेशन है वो साउथ छत्तीसगढ़, साउथ सीजी आज के समय पर, प्लस नॉर्थ उड़ीसा, ये उड़ीसा का नॉर्थ पार्ट, प्लस सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। चार स्टेट के नाम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का ये एरिया कवर कर रहा था फॉरेस्ट, ए बस्तर वाला एरिया। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो था ना, दूसरी चीज, यहाँ पर गोंड कास्ट के लोग रहते हैं। कौन से कास्ट के, गोंड कास्ट के। गोंड जो कास्ट है ना, वो ट्राइबल एक कास्ट है, आदिवासी जाति है वो, आज के समय पर डेवलप कर रही है, अच्छी बात है, होना जरूरी है। और सबसे ज़्यादा गोंड कहाँ पर रहते हैं, इंडिया में, मध्य प्रदेश में रहते हैं आज। सबसे ज़्यादा ट्राइबल लोग कहाँ पर है, इंडिया में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पर गोंड कास्ट के लोग रहते थे। कौन कौन सी कास्ट के, गोंड कास्ट के। ये क्या देते थे, ये देते थे दंड, क्या देते थे, दंड या मान, क्या देते थे, दंड या मान या देवसारी। ये क्या था, टैक्स था, क्या था ये, टैक्स, दंड, देवसारी या मान, ये तीन तरीके का टैक्स था। मतलब तीनों को टैक्स का एक ही नाम था, कुछ भी बोल सकते हो, समझा आपको। तो दंड, देवसारी या मान, अब ये लोग टैक्स देते थे। अंग्रेजों ने क्या करा, तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मैं इसको मिटा देता हूँ, काम नहीं, यहाँ पर याद हो जाएगा, यहाँ पर याद होने वाला है। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फॉरेस्ट एक्ट को लागू किया, और जैसे ही फॉरेस्ट एक्ट को लागू किया, ये ब्रिटिशर्स ने तीन चीज़ें बोली कि आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करोगे,
तीसरी दूसरी चीज आप हंटिंग नहीं करोगे, तीसरी चीज आप हमें टैक्स रेगुलर दोगे, आप हमें टैक्स रेगुलर दोगे। इसकी वजह से क्या हुआ, फोर्थ पॉइंट में 1910 में यहाँ पर कांगेड़ फॉरेस्ट है। कौन सा फॉरेस्ट है? कांगेड़ फॉरेस्ट। अब होती है असली कहानी। अपन को लगता है कि अपन लोग हमेशा अंग्रेजों से दब क्या है, मारा है लोगों को, अंग्रेजों को इतना मारा है अंग्रेजों को, हिंदुस्तान के लोगों ने, आदिवासियों ने मारा है, पूरे गांव गांव में तीर बट रहे हैं, महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को तीर दिए, खाने के पैकेट दिए, और पूरे फॉरेस्ट को तैयार किया गया जंगल के लोगों को। जैसे कि जंगल में तो क्या होता है, एक घर में, एक एरिया में 10 लोग रहते हैं, एक एरिया में 20 लोग रहते हैं, सबके घर में तीर कमान, सबके घर में छोटा मोटी गोला बारूद, पत्थर वत्थर पूरा तैयार किया गया, दुकानों के अंदर ये सब चीज़ें, पेड़ों के इधर छुपा के रख रहे हैं, झाड़ियों में छुपा के रख रहे हैं, मिट्टी में नीचे गड्ढा करके छुपा के रख रहे हैं, जैसे अंग्रेज आएंगे पीटेंगे, और बहुत पीटा। क्योंकि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अंग्रेज़ों को मैदान में लड़ने की आदत है और जंगल में लड़ने की आदत है क्या, पता नहीं कौन कौन सी डाल पे बैठा है, कौन किस पेड़ के पीछे छुप के बैठा है, कौन कौन सी झाड़ी के पीछे बैठा है। तब के तो लोग दिखते भी थोड़ा झाड़ी जैसे थे, मतलब ऐसे दिखते तो नहीं थे, लेकिन बोल सकते हैं कि मतलब अपने आप को प्रिपेयर कर लेना, जैसे काली शाही लगा लेना, तो पहचान भी आएंगे, छुप जाएंगे झाड़ी, और ऐसा रूप बनाना जैसे डरे। हम तो रूप नहीं बनाते फिर भी लोग डर जाते हैं, पता नहीं क्यों, आजकल ट्रेंड चल रहा है, सुन ही रहो तुम लोग। खैर ठीक है, तो कांगेड़ फॉरेस्ट के लोग, बड़ा ट्रेंड आया, कांगेड़ फॉरेस्ट के लोगों ने प्रमोट किया कि बोले रिबेलियन, रिबेलियन कौन होते हैं, बागी, बागी कौन, जो बगावत कर दे सरकार के खिलाफ, बगावत करने वाले कौन, बागी। तो इन्होंने क्या कर दिया, रिबेलियन कर दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ कांगेड़ फॉरेस्ट के धुरवा लोग, कौन से लोग, धुरवा लोग, तो पांच नाम याद रखने बस, साउथ छत्तीसगढ़ के चार, साथ में तीन स्टेट, दंड, देवसारी, मान, ये तीन चीज़ें कर रोक दी गई, और ये तीन चीज़ें स्टार्ट कर दी गई सॉरी, और उसके बाद में कांगेड़ फॉरेस्ट के धुरवा लोगों ने रिबेलियन किया, और अंग्रेज हुकूमत को, ब्रिटिश, ये इसका रिजल्ट सुन लेना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, दबना पड़ा, और उन्होंने बोला ठीक है हम एक काम करते हैं, 50% कम कर देते हैं चीज़ों को, और ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है, रिजर्व्ड एरिया है, इस एरिया को हम, जो इतना बड़ा एरिया है उसको भी हम क्या कर देते, कम कर देते, ठीक है तुम अपने जानवरों को चराओ और एक जगह से दूसरी जगह तुम जा सकते हो। तो ये 1910 में एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी, एक बहुत बड़ी जीत थी, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। सिंपल सा बस इतना ही है क्या, बस्तर रिबेलियन।